हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अभी देखो, यहाँ पे इन द लास्ट वीडियो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी देखी, बराबर है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को जा रहे हैं। वो वीडियो एक बार देख लेना, उसका पहला वाला वीडियो, पहला पार्ट, तभी आपको ये समझने में आसानी होगी। करेक्ट, पेपर में आपको न्यूमेरिकल ही आता है, ये भी बात जरा समझ लेना। राइट, अब देखो पहला प्रॉब्लम हम लेंगे, स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल। राइट, अब देखो, टू कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली विथ रिप्लेसमेंट। कार्ड जो कार्ड ड्रॉन हो रहे वो रिप्लेसमेंट है, ये ध्यान में रखना। फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, आपको मालूम है कैट में 52 कार्ड्स ही होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एस। एस बोले तो क्या, दैट इज नथिंग बट एक्का, है ना। थोड़ा जनरल नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए कार्ड्स के बारे में। अब देखो, यहां पे सबसे पहला काम क्या होता है, जब आपको प्रॉब्लम देंगे तो आपको कैपिटल एक्स नथिंग बट अ रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, क्या लेंगे हम, द नंबर ऑफ एसेस। ये पहले आपको लेना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको मतलब डिफाइन करना पड़ेगा, द नंबर ऑफ एसेस अमंग द नंबर ऑफ एसेस अमंग सॉरी द नंबर ऑफ एसेस अमंग द टू कार्ड्स। द नंबर ऑफ एसेस अमंग द टू कार्ड्स विथ अ रिप्लेसमेंट। अब जरा ध्यान से देखना, कैपिटल एक्स हमने क्या डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, द नंबर ऑफ एसेस अमंग द टू कार्ड्स। कितने कार्ड ड्रॉ कर रहा है वो, दो, और विथ रिप्लेसमेंट दिया ना, टू कार्ड्स यहां पे दिया है। सो दो कार्ड जब हम ड्रॉ करेंगे तो वहां पे उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए एस का। इसका मतलब क्या हुआ, देयर फॉर एक्स टेक्स द वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी, क्या लगता है आपको एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी? अब देखो, एक्स की वैल्यू अपने पास हो सकती है, दो कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि दोनों कार्ड में एक बार भी एस नहीं आया, नथिंग बट व्हाट, जीरो। एक बार एस आया, एक बार एस नहीं आया, दैट इज वन, मतलब वन एस। और हो सकता है कि दोनों बार एस आया, मतलब एक्स की वैल्यूज क्या हो गई, 0 1 2। ये समझ लेना कि एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं और एक्स कैसे डिफाइन करते हैं। एक्स इज नथिंग बट अ रैंडम वेरिएबल है, एंड दैट तो हमने प्रॉब्लम के हिसाब से एक्स को डिफाइन किया, द नंबर ऑफ एसेस अमंग द टू कार्ड्स, जो दो कार्ड अमंग है उसमें से टू कार्ड्स विथ रिप्लेसमेंट। बोले तो यहां पे वो जो इवेंट है, वो दोनों इवेंट क्या है, मतलब दो कार्ड जब बनाएंगे निकालेंगे हम लोग, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, राइट, क्योंकि रिप्लेसमेंट है। राइट, ये बात जरा ध्यान से समझ लेना, एक्स टेक्स द वैल्यू 0 1 2, बराबर है। अब प्लेइंग कार्ड्स के अपना जो कैट रहता है, टू कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने हैं, 52 उसने दिया, वैसे 52 ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, 52, 13 13 13 13, ईच सूट का 13, है ना। So, यहां पे अब देखो, यहां पे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, आपकी एस की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो अब टोटल कितने एस है 52 कार्ड में, 4। सो हम क्या लिखेंगे, 4 बाय 52, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, टोटल एस 4 है, राइट, एंड दैट टू फ्रॉम टोटल कार्ड 52 एनी बाय एनएस। सो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस इज 1 बाय 13, इसको डिवीजन गया तो 1 बाय 13 होगा ना, बिल्कुल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड है 1 बाय 13, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कार्ड कितना होगा, नॉन एस कार्ड बोले तो क्या हो गया कि भाई एस नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 12 बाय 13। सर ये बात समझ में नहीं आई नॉन एस की, बिल्कुल आपको एक बात बताते हैं, जरा ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू ऑलवेज 1, ध्यान में रखना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ऑलवेज रिमेंबर 1।
करेक्ट। बाद में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपके इसके ऊपर शॉर्टकट भी बताऊंगा, यहां भी बता देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, बट पहले करके दिखाता हूं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना है भाई, 1/13 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस हमको बनाने का है, एंड दैट टू 1, नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस क्या हो गया, 1 - 1/13, 13 - 1, नथिंग बट ये कितना आया 12/13। समझ में आया क्या, कैसे लिखा हमने, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, अरे ये बात समझ में आई क्या नहीं आई, ओके। अब आपको पेपर में इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर देखो कैसे करना है, ये 1/13 है ना, सो ये एस की प्रोबेबिलिटी है, तो नॉन एस की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना, 13 में से 1 माइनस कर देना, 12 एंड डिवाइडेड बाय 13 आउट ऑफ 13। समझ में आया क्या, ये कैसे किया समझ में आया, ओके। नहीं तो आपको बाजू में करके दिखाया है, आप वैसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो प्रोबेबिलिटी का एक्स का वैल्यू तो हमने देख लिया कि भाई देर इज नो एस, देन 1s एंड देन 2s, करेक्ट। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू, एंड देयरफॉर हमने एक्स को डिफाइन किया, तो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, यहां पे हमने दो कार्ड ड्रॉ किए और ये दोनों बार क्या हुआ, देर इज ए नो एस आया, नो एस, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे क्या लेना पड़ेगा, यहां पे नॉन एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12/13, राइट। अरे नॉन एस की प्रोबेबिलिटी हमने क्या लिखी है, 12/13 लिखी है ना, नॉन एस की प्रोबेबिलिटी, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, राइट। या आपको यहां पे डिटेल बता सकते हैं, या ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली बार भी नॉन एस, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस, एंड दोबारा भी क्या आया, दूसरा पत्ता भी क्या आया, नॉन एस। अब आपको समझ में आया क्या, थोड़ा डिटेल बताया, मतलब डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो गड़बड़ नहीं होना, इसीलिए इसको ऐसा लिख के दिया, ये वाला तो ऊपर का कार्यक्रम है, ये आपको समझाया, राइट। अब देखो यहां पे एक्स इक्वल टू 0, बोले तो पहली बार भी नॉन एसी आया एंड दूसरी बार भी नॉन एस आया, कितने कार्ड ड्रा कर रहे, 2 कार्ड्स, द नंबर ऑफ एसेस अमंग द 2 कार्ड्स, 2 कार्ड ध्यान में रखना, तो पहली बार नॉन एस, दूसरी बार नॉन एस, नॉन एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12/13, ध्यान में रखना 12/13, हमने वर्कआउट करके दिखाया उसको, पहले पूरा लिखा एक डिफाइन किया एक्स क्या वैल्यू हो सकती है, लिखा प्रोबेबिलिटी नॉन एस एस, और वहां पे दैट टू इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट है, देयरफॉर दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके। 12/13 आया एंड दूसरी बार भी क्या आया, 12/13, समझ में आ रहा है कि आपको, एंड नॉन एस एंड अगेन नॉन एस, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, राइट। आप देखो 12 12 = 144 मेरे ख्याल से, और यहाँ पे 13 13 = 169, इसका मतलब आपकी पहली प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, x इक्वल टू 0 की पहली वैल्यू जो थी, एक्स वैल्यूज, ओके। आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब क्या हुआ भाई, एक बार एस आया एक बार एस नहीं आया, है ना, सो नथिंग बट व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला हम बोल सकते कि भाई एस एंड देन दूसरी बार नॉन एस, ये एक प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। नहीं तो दूसरी, ऐसा हो सकता है, ऐसा अगर नहीं होता कि पहला एस दूसरा नॉन एस, नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला नॉन एस क्या हो सकता है, पहला नॉन एस आया एंड सेकंड वाला क्या आया, एस आया। आप समझ रहे क्या प्रोबेबिलिटी कैसे लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, भाई कार्ड 2 निकाले ना हमने, तो पहला कार्ड जो आया वो एस आया और दूसरा नॉन एस आया, ऐसा एक प्रोबेबिलिटी का चांस है, नहीं तो पहला नॉन एस आया एंड सेकंड वन एस आया, बट ध्यान में रखो एस कितनी बार आया, दोनों इसमें एस एक ही बार आया, है ना, एस एस, ये हो सकता है या ये हो सकता है, और बोले तो एडिशन, करेक्ट। अब देखो यहां पे पहले की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13 है, एस आने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13 है, और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12/13, ये वाला मेरा पहला चांस है, गेटिंग इट आर नॉट, प्लस
ये वाला प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ, तो या ऐसे हो सकता है कि पहली बार है दूसरी बार नहीं, ऐसे हो सकता है पहली बार नहीं दूसरी बार आया, दूसरा पत्ता एस आया पहला नहीं आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नॉन एस की कितनी है, नॉन एस की प्रोबेबिलिटी 12/30 राइट, और आपकी एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है मैंने 12/13। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट अगर आप करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 12/13 मेरे कैसे 12/169 का, अरे मल्टीप्लाई करो ना, 12 13 13 169 प्लस यहां पे 12 एंड डिवाइडेड बाय 169, इनका एलसीएम है तो 169, तो ये कितना आया 24 / 169। आर यू गेटिंग इट और नॉट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, नथिंग बट वन एस। एक्स डिफाइन किया था नंबर ऑफ एसेस अमंग द टू कार्ड्स विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट हेंस इंडिपेंडेंट, ये जो इवेंट है टोटली इंडिपेंडेंट है, पहला पत्ता भी आया उसके बाद देखा फिर डाल दिया, सो सेकंड वाला जो आएगा वो पहले के ऊपर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऐसे हम लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना, पहली बार भी क्या आया एस आया एंड सेकेंड टाइम भी क्या आया एस आया, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, दोनों बार एस एस, और एस की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है 1/13 है ना एस की प्रोबेबिलिटी, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना है 1/13 है, सही है, एंड अगेन क्या आया एस आया ट्वाइस एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, एक्स टेक्स द वैल्यू 0, 1, 2, मैं दोबारा रिपीट करूं, 0 बोले तो नॉन एस, दोनों बार नॉन एस आया, पहला पत्ता भी नॉन एस दूसरा भी नॉन एस, 1 एस में आप ध्यान से देखना यहां पे मिस्टेक करते हो, दो प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी, पहली बार एस आया देन नॉन एस आया, या प्लस पहली बार नॉन एस आया दूसरी बार एस आया, ओके। अब एस एस की प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू दोनों बार एस आया, सो यहां पे ये कितना हुआ 1/169, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, ये x के कितने वैल्यू डिफाइन हो सकते हैं, पहले तो रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करो, वो करने के बाद x टेक्स द वैल्यूज क्या होता वो देखो, और फिर आपको जो दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंगली निकाल के रखो, बराबर है, और फिर वो प्रोबेबिलिटी को लिखो x इक्वल टू मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी बनाओ, यहां तक समझ में आया, ओके। अब देखो देयरफॉर अब ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट को आपको टैबुलर फॉर्म में लिखना पड़ता है, करेक्ट, फिर नीचे लिखने का मैं थोड़ा जगह क्रिएट कर रहा हूं अभी यहां पे, एंड देयरफॉर अब मैं थोड़ा सा यहां पे जगह क्रिएट करूं क्या, ओके, एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देयरफॉर इसके बाद आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज, और पेपर में आप टेबल बना देना, करेक्ट, हमने थ्योरी में देखा था, तो यहां पे पेपर में ऐसा एक टेबल बना दीजिए सो दैट एग्जामिनर को आसानी जाती है प्रॉब्लम को चेक करने के लिए, यहां पे लिखना एक्स का वैल्यू, रैंडम वेरिएबल एक्स का वैल्यू आपने क्या क्या लिया, और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, करेक्ट। अब यहां पे हमने पहली बार क्या लिया एक्स का वैल्यू दैट टू जीरो, मतलब देयर इज नो एस, दूसरी बार लिया एक्स का वैल्यू क्या 1s, और तीसरी बार बोथ आर s, करेक्ट, तीन है ना, एक्स 0 एक्स 1 एंड एक्स 2, और उसका प्रोबेबिलिटी 0 का क्या है 144/169, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, ओके। अब x इक्वल टू 1 का यहां पे कैलकुलेशन करके क्या आया 24/169, समझ में आ रहा है, और ट्वाइस एस दोनों बार एस आया 1/169, समझ में आ रहा है कि आपको,
और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। मतलब तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, यही हो गया। समझ में आया क्या? अगर मैं थोड़ा नीचे का मिटा दूं, रिजल्ट्स को ये जो हमने वर्कआउट किया ना, इसको टैबुलर फॉर्म में दिखाना पड़ता है या ऑर्डर पेयर में लिखना पड़ता है, तो टैबुलर फॉर्म में दिखा देना सॉरी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको आपको टैबुलर फॉर्म में ही हम लिखते हैं, चलेगा? नो प्रॉब्लम। सो आपका ये वाला आंसर फाइनल हो गया, एक बार देख लो पूरा, अभी मिटा देता हूं सो दैट खाली फाइनल रिजल्ट वहां पे टैबलेट का कैसे लिया वो भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपने को पहले प्रॉब्लम पढ़ने के बाद एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स क्या क्या वैल्यू लेंगे ये देखना पड़ेगा, फिर वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। टेबुलर फॉर्म में दे दिया, बात खत्म, करेक्ट? वंस गो थ्रू इट सो दैट वी विल प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम, चलेगा? ओके, है सिंपल बट थोड़ा सा आपको ये लिखना पड़ता है, एक्स को डिफाइन करना पड़ता है। बट सिंपल है, और देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबल एट्स इन अ थ्री थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, नंबर ऑफ डबल एट्स, करेक्ट? अब यहां पे ध्यान में रखना, सी प्रॉब्लम को अपने को फॉर्मेट करना पड़ता है, पहले फॉर्मुलेशन करना पड़ता है, फिर वैल्यूज आते हैं अकॉर्डिंगली, राइट? बेस पूरा प्रोबेबिलिटी है, राइट? लेट, अब पहले हमको एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्या लेंगे? एक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ डबलेट्स, क्या लिखेंगे एक्स को? नंबर ऑफ डबलेट्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, अब देखो यहां पे एक्स अगर नंबर ऑफ डबलेट्स है तो यहां पे नंबर ऑफ डबलेट कितने आ सकते हैं, सो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देयरफॉर एक्स टेक्स द वैल्यूज। अब नंबर ऑफ डबलेट कितनी बार इन थ्री थ्रोस, कितनी थ्रोस किए उसने, तीन थ्रो किए, सो एक्स टेक्स द वैल्यूज। भाई एक बार भी डबलेट नहीं आया, भाई एक बार डबलेट आया, भाई दो बार डबलेट आया और तीनों बार डबलेट आया। समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक्स टेक्स द वैल्यूज। अब देखो पॉसिबल वैल्यूज ये कैसे लिखा, समझ में आया? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डबलेट्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डबलेट्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस, फ्रॉम द सैंपल स्पेस इज, अब देखो डबलेट्स के क्या क्या चांसेस है बोलो। अब डबलेट बोले तो क्या होता, दोनों डाइस के ऊपर क्या आना, सेम वैल्यू आना, सो वन वन हो सकता है, टू टू हो सकता है, थ्री थ्री हो सकता है, फोर फोर हो सकता है, फाइव फाइव हो सकता है एंड सिक्स सिक्स हो सकता है। समझ में आया क्या, कैसे लिखा डबलेट्स को हमने, वन वन टू टू, समझ में आया क्या? नहीं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डबलेट्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, कितने डाइस थ्रो कर रहा है, व्हेन टू डाइस है ना, पेयर ऑफ डाइस बोले तो व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, इसे लिखू क्या, व्हेन पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, करेक्ट, पेयर ऑफ डाइस थ्रोन इज, और ये आपका वैल्यू आया। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इन अ सिंगल, अब देखो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं, तो हमने डिफाइन कैसे किया, समझ में आया ना, सैंपल स्पेस टोटल कितना है 36, अरे अभी आपको बताया था ना, 11 12 13 14 15 16, सेकंड में सैंपल स्पेस में 21 22 23 ऐसा करते चलेंगे तो आखिर क्या आएगा, 61 62 63 64 65 एंड 66, बराबर? अब मतलब टोटल जो नंबर है वो तो 36 है, आपको मालूम है क्या? नहीं, यस,
अब देखो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन ए सिंगल थ्रो, क्या लिख सकते हैं हम, इन ए सिंगल थ्रो कर रहे हैं ना हम लोग, हमको सिंगल थ्रो में देखना है ना, इंगल सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, इज अब देखो मान लो उसको हमने लेटर दिया पी, कौन सा लेटर दिया छोटा पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन ए सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, करेक्ट, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस अगर हमने इसको बोला पी, तो अब पी की चांसेस कितने हैं, अब ये सैंपल स्पेस में टोटल कितना है छह है ना, बराबर है, और छह में से डबलेट आने का चांस कितना है 26, आपको समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस इज, अगर हमने पी बोल दिया इसको, हमने इसको क्या बोल दिया पी, तो पी क्या है ये कितना हो गया क्यू, सो गेटिंग अ डबलेट की प्रोबेबिलिटी 1/6 बराबर है, सो नॉट गेटिंग सक्सेस, समझे मैंने क्यू को डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, क्यू इज नथिंग बट, क्यू इज नथिंग बट मैं ऐसे बोलता हूं कि नॉट गेटिंग ए डबलेट, जरा ध्यान से देखना है प्रॉब्लम अच्छा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट अगर 1/6 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट कितना होता 5/6, आपको अभी समझाया था, अरे नीचे में से एक माइनस कर दो 6-1 5/6, सो क्यू वाला लेटर बताएगा नॉट गेटिंग अ डबलेट, पी वाला लेटर बताएगा गेटिंग अ डबलेट, बराबर है, अब यहां तक समझ में आया कैसे किया, अब देखो x takes the values, अब अपने को x का values define हमने किया है, क्या होता, अरे भाई उसने 3 times doublet in 3 throws, 3 बार throw किया, तो अब देखो यहां पे क्या होने वाला है, and therefore probability of getting x is equal to 0, मैं पहले value की बात कर रहा हूं, क्या पहली value कौन सी है, x equal to 0, इसका मतलब x equal to 0 क्या define कर रहा है, there is a no doublet, क्या डिफाइन कर रहा है कि भाई डबलेट गिरा ही नहीं, अब डबलेट गिरा ही नहीं मतलब तीनों बार क्या गिरा, नॉट गेटिंग अ डबलेट नथिंग बट क्यू क्यू क्यू, 3 बार थ्रो किया ना राइस, नथिंग बट क्यू क्यू क्यू, नथिंग बट क्या हो गया क्यू क्यू, अरे भाई ये तो क्यू क्यूब हुआ ना, और क्यू क्यूब की अगर बात करते हैं तो क्यू का वैल्यू कितना है 5/6, सो 5/6 का क्या करो क्यू, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, अब आपको मालूम है 5 का क्यूब तो 125 कैसे, और 6 का क्यूब कितना होता 6 और 6 36 नथिंग बट मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 216, सही है क्या, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, 6 को 3 बार लिखो ना 6 6 36 and 36 6 36 6 6 36 6 6 18 और ये 3 बराबर है 216 करेंगे, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 दैट टू Not getting a doublet. अब देखो जरा बोर्ड पे ध्यान दो, probability of x equal to 1. x equal to 1 क्या बता रहा है, मतलब एक बार doublet आया, दो बार doublet नहीं आया, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, भाई पहली बार doublet आया, दो बार doublet नहीं आया, ये एक चांस हो सकता राइट, नहीं तो हो सकता पहली बार doublet नहीं गिरा, दूसरी बार doublet गिरा और तीसरी बार doublet नहीं गिरा, समझ में आ रहा है आपको, ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग, नहीं तो हो सकता है पहली बार भी डबलेट नहीं गिरा, दूसरी बार भी नहीं गिरा बट तीसरी बार गिरा, आपको समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं हम, क्यू क्यू पी, 1 डबलेट, एक बार डबलेट गिरा, बाकी बार जो 36 सैंपल स्पेस है ना उसमें डबलेट खाली 6 ही है, बाकी 30 जो आपके सैंपल स्पेस के नंबर है वो डबलेट नहीं देते, जैसा 1 1 देता है, 1 2 नहीं, 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, वैसे हर एक में गेटिंग इट, वो 30 नंबर है, सो नथिंग बट पहली बार डबलेट गिरा, दूसरी बार नहीं गिरा, तीसरी बार नहीं गिरा, फिर या तो चांस है पहली बार डबलेट नहीं गिरा, दूसरी बार डबलेट गिरा, तीसरी बार नहीं गिरा, या तो चांस है
पहली बार डबलेट नहीं गिरा, दूसरी बार डबलेट नहीं गिरा, बट तीसरी बार डबलेट गिरा। अब देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, पी क्यू क्यू, एक बार पी दो बार क्यू, एक बार पी दो बार क्यू, एक बार पी दो बार क्यू, नथिंग बट यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्राइस अ पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, तीन बार आया ना ये, थ्राइस पी क्यू स्क्वायर, अरे ये पी क्यू स्क्वायर, ये भी पी क्यू स्क्वायर, ये भी पी क्यू स्क्वायर, कितनी बार आया, तीन बार। अब देखो नथिंग बट इसको अगर आप ऑपरेट करते हो तो क्या मिलेगा, थ्राइस पी की वैल्यू बोलो, अरे गेटिंग डबलेट का चांस कितना है, 1 by 6 है ना, सो गेटिंग डबलेट का चांस है 1 by 6, गेटिंग नॉट डबलेट का चांस कितना है, 5 by 6, 5 by 6 राइट। और इसका क्या करना है, स्क्वायर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहां पे कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा, देखो यहां पे आपको कैलकुलेशन में ये एक काम करेंगे, 5 स्क्वायर 25, ये सेपरेटिंग पावर दैट ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर राइट, सो 5 स्क्वायर 25 और 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 का एंड डिवाइडेड बाय ये 6 स्क्वायर एंड अगेन 6 बोले तो 6 क्यूब अगेन 216, आर यू गेटिंग इट और नॉट, 75 डिवाइड बाय 216 समझ में आया क्या, ये सेपरेटिंग पावर दैट ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो ये 6 स्क्वायर एंड अगेन 6 3, तो डिनोमिनेटर में हो गया 6 क्यूब और 6 क्यूब कितना होता 216 अभी देखा हमने, और 5 स्क्वायर 25, 25 3 था 75, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डबलेट, हमने x को रिफाइन किया नंबर ऑफ डबलेट, x टेक्स द वैल्यू, नो डबलेट गिरा ही नहीं तीनों बार, एक बार गिरा भाई, दो बार गिरा, तीन बार गिरा। अब हम नेक्स्ट में ऊपर चलेंगे, थोड़ा जगह क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ अब देखो हमारा प्रोबेबिलिटी कहां तक आया, प्रोबेबिलिटी आया हमने x इक्वल टू 1 तक। अब x इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, नथिंग बट दो बार आपका डबलेट गिरा, क्या गिरा, दो बार डबलेट गिरा, नथिंग बट ऐसा लिख सकते क्या, पी पी क्यू, पहली बार डबलेट गिरा, दूसरी बार गिरा, बट तीसरी बार नहीं गिरा, चलेगा नो प्रॉब्लम। फिर हम ऐसा लिख सकते क्या, पी क्यू पी, कहने का मतलब पहली बार डबलेट गिरा, दूसरी बार डबलेट नहीं गिरा, बट तीसरी बार आपका डबलेट गिरा, या ऐसा हो सकता है क्या, पहली बार डबलेट नहीं गिरा, दूसरी बार गिरा और तीसरी बार गिरा, दो बार डबलेट को गिराना है, x इक्वल टू 2 बोले तो नंबर ऑफ डबलेट, ट्वाइस डबलेट आया, थ्राइस में से दो बार डबलेट आता, एक बार डबलेट नहीं आता, तो हमने हर एक का ऑप्शन में मतलब क्या क्या चांसेस है, या ऐसा हो सकता नहीं तो ऐसा हो सकता नहीं तो ऐसा हो सकता, मतलब तो दो बार डबलेट गिरा, एक बार नहीं गिरा, या पहली बार गिरा, दूसरी बार नहीं गिरा, तीसरी बार गिरा, या पहली बार नहीं गिरा, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार गिरा राइट। प्रॉब्लम जरा ध्यान से देख लेना। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा मालूम, मतलब दो बार पी एक बार क्यू, दो बार पी एक बार क्यू, दो बार पी एक बार क्यू, तो क्या लिखे, थ्राइस पी स्क्वायर क्यू, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू, समझ में आ रहा है, ओके। अब जरा देखो यहां पे p का वैल्यू क्या डिफाइन किया हमने, p का वैल्यू 1 बाय 6, गेटिंग डबलेट 1 बाय 6, तो 1 बाय 6 का स्क्वायर, एंड q का वैल्यू क्या डिफाइन किया भाई, q का वैल्यू डिफाइन किया 5 बाय 6, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, q का वैल्यू डिफाइन किया 5 बाय 6, थोड़ा वर्कआउट करो। फिर दोबारा देखो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 6, 6 और ये 6 स्क्वायर और ये क्यूब हो गया, नीचे तो पक्का 216 है, अब ऊपर क्या है, 1 स्क्वायर 1 सो 3, 5 3 जा 15, अरे ये 3 5 जा 15 हो जाएंगे ना, सो नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 कितना आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आई 15 डिवाइडेड बाय 216। अब एक ही प्रोबेबिलिटी रहेगी, कौन सी, तीनों बार डबलेट गिरा, क्या गिरा, तीनों बार डबलेट गिरा, ये थोड़ा मिटा दो क्या अभी, ये थोड़े प्रॉब्लम छोटे छोटे होते हैं, बट एक बार समझ में आया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो तीसरा वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, x नथिंग बट रैंडम वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया है, क्या, नथिंग बट नंबर ऑफ डबलेट्स, ओके, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। x इक्वल टू 3 में क्या होने वाला, देखो इसका मतलब तीनों बार डबलेट गिरा, नथिंग बट पी पी पी,
है ना, जैसा हमने यहां पे एक्स इक्वल जीरो लिखा था कि भाई डबल डी गिरा ही नहीं, पहली बार भी नहीं, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार भी नहीं, तो क्यू क्यू क्यू, क्योंकि हमने क्यू का डिफाइन किया नॉट गेटिंग डबलेट, पी नथिंग बट वॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इन ए सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस इज पी एंड नॉट गेटिंग अ डबलेट इज नथिंग बट क्यू, गेटिंग इट ऑर नॉट। अब देखो नथिंग बट ये पी क्यूब आया क्या, यस, और पी का वैल्यू क्या है, वन बाय सिक्स, तो वन बाय सिक्स का क्यूब, वन का क्यूब तो वन होता और सिक्स का क्यूब होता टू वन सिक्स, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, नो प्रॉब्लम। बस एक बार इतना निकाल दिया तो बाकी क्या टेबल का ही काम रह गया ना, एंड देयरफॉर नीचे लिखने का रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोज, फिर दोबारा आपको, बट ध्यान रहे पेपर में आपको पी और क्यू पहले डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे लिख सकते हो पी क्यू क्यू पी 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 क्यू क्यू पी क्यू पी, जो भी लिखना है, राइट। अब यहां पे हम लोग एक टेबल दोबारा बनाएंगे, अब आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कैसे बनाते हैं, राइट, कैसे बनाते हैं टेबल, हम दोबारा हमको टेबल बनाना पड़ेगा। देखो टेबल ऐसे बनना चाहिए, हाँ, यहां पे लिखेंगे x और यहां पे क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, समझ में आया, छोटा x। अब x की वैल्यू क्या क्या हो गया भाई, डबलेट एक बार भी नहीं गिरा भाई, एक बार डबलेट गिरा भाई, दो बार डबलेट गिरा और तीनों बार डबलेट गिरा, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, जीरो वन टू थ्री, नो प्रॉब्लम, ओके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x, पहली बार x का छोटा x है, छोटा x का वैल्यू जीरो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू जीरो, क्या वैल्यू है भाई, x इक्वल टू जीरो की वैल्यू क्या है, 125 डिवाइडेड बाय 216, ये मतलब तो समझते ना आप, ये छोटा x इक्वल टू जीरो बोले तो x यहां पर रखने का, तो कैपिटल x इक्वल टू जीरो, कैपिटल x इक्वल टू जीरो का वैल्यू क्या है, 125 बाय 216, 188, प्रोबेबिलिटी ऑफ 188 की वैल्यू क्या है, 75 बाय 216, 75, ये मतलब यहाँ पे x की जगह 1 डालो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ छोटा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 15 डिवाइडेड बाय क्या 216, और तीनों बार डबल एडी गिरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे 3, x इक्वल टू 3 क्या है वो, तीनों बार डबल एडी गिरा तो 1/216, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट ये टेबुलर फॉर्म में देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टेबुलर फॉर्म में देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अभी आपको इसका फ्लो चार्ट समझ में आया क्या, पहला प्रॉब्लम हमने लिया या दूसरा लिया, सी पहले एक्स को डिफाइन करना, क्या कर देना, एक्स को डिफाइन करना, बराबर है, ये थोड़ा मैं मिटा दू चाहिए तो स्क्रीन, तो आपको समझ में आएगा कि बस इतना, यही इसका फाइनल है ना, पहले एक्स को डिफाइन कर देना, एक्स को डिफाइन करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन यूर प्रॉब्लम, एक्स बोले तो रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करो, फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये देखो, बराबर है, जैसा यहां पर हमने लिखा था गेटिंग डबल एट, ये अपना एक्स हो गया, तो वहां पे फिर हमने क्या किया, वो अपना जो इवेंट है उसके हिसाब से हमने डबलेट्स को साइपर स्पेस बना दिया, तो 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सो 6 आउट ऑफ दैट 1, करेक्ट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, मतलब वो डिपेंड अपॉन आप वहां पे डिफाइन करो, हमने यहां पे डिफाइन किया छोटा पी गेटिंग अ डबलेट इन अ सिंगल थ्रो, मतलब जो आप डाई को थ्रो करेंगे उसमें, और वहां पे क्यू को नॉट गेटिंग ए डबलेट, ऐसा हमने डिफाइन किया यहां पे, सो डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम वहां पे डिफाइन करो, एंड देन जो कैपिटल एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमने कितनी बार थ्रो करना है, थ्राइस, तीन बार, तो हो सकता है कि भाई एक बार भी डबलेट नहीं आया, एक्स को अपने को न्यूमेरिक फॉर्म में लेना पड़ता है, एक बार भी डबलेट नहीं आया जीरो, एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, भाई एक बार डबलेट आया x कैपिटल x इक्वल टू 1, क्योंकि x हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ डबलेट्स, राइट, x इक्वल टू 2, दो बार डबलेट आया,
मतलब दो बार डबलेट गिराने का, एक बार उसमें नहीं गिराने का, ऐसे कितने ऑप्शंस हो सकते हैं वो प्रोबेबिलिटी, या और एडिशन करते चलो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री, नथिंग बट तीनों बार डबलेट आया, बस इसको वैल्यूज में पुट कर दो, डायरेक्टली आपको मिलता आंसर। आर यू गेटिंग इट आर नॉट? डिटेल में एक बार देख लेना तो आपको इससे आराम से अंदाज आ जाएगा, चलेगा। इसकी और कुछ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो अगेन आप नेक्स्ट वीडियो भी याद से देखो, वो भी वैरायटी अच्छा है, राइट? नो प्रॉब्लम। सो अगेन एक बात है, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट दे दो, चलेगा। एंड बी इन टच विथ अस सो दैट जितने भी वीडियोज आ रहे सब आपको आराम से नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप उसको देख के अपना इंप्रूवमेंट करके अच्छा स्कोर ला सकते हैं। एक बार थीम समझ में आया कि बाकी कुछ भी नहीं, राइट? बट ये वीडियो को अगर समझना है तो इसका पहला वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा, सो दैट थ्योरेटिकल पार्ट थ्योरी पूछते नहीं, बट ये सब एप्लीकेशन यहाँ पे है, चलेगा। नो प्रॉब्लम। सो अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।